स्टार प्लस के पॉपुलर शो चंद्र नंदिनी के अब तक के एपिसोड में हमने देखा है कि किस तरह से धर्मा की एंट्री बिंदुसार के लाइफ में होती है। बिंदुसार जब धर्मा को पहली बार देखते हैं तो वो देखते ही रह जाते हैं, लेकिन इससे उलट धर्मा को बिंदुसार के ऊपर काफी गुस्सा आता है। वो बिंदुसार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि धर्मा को लगता है कि बिंदुसार एक अच्छे राजकुमार नहीं है और उन्होंने अपने प्रजा के साथ बिल्कुल भी न्याय नहीं किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि धर्मा चंद्रगुप्त मौर्य से जाकर ये दरख्वास्त भी करती है कि वो बिंदुसार मगध का राजा ना बनाए, जिसके बाद चंद्रगुप्त करते भी कुछ ऐसा ही है। वो मधुमती को न्याय देते हैं और धर्मा की बात मान लेते हैं, जिसके बाद बिंदुसार को भी धर्मा की इस हरकत पर काफी गुस्सा आता है और बिंदुसार ये फैसला लेते हैं कि वो धर्मा से इस बात का बदला लेंगे। लेकिन इससे पहले कि बिंदुसार धर्मा से बदला ले पाते, मधुमती धर्मा को आकर कन्फ्रंट करती है। वो धर्मा को बताती है कि बिंदुसार की इसमें कोई गलती नहीं, बिंदुसार बिल्कुल बेकसूर है, जिसकी बात धर्मा को काफी अफसोस होता है। उसे ये लगता है कि उसने बिंदुसार के खिलाफ जो भी कहा है वो बिल्कुल गलत है और उसे बिंदुसार से माफी मांगनी चाहिए। अब जब धर्मा बिंदुसार से माफी मांगने के लिए उनके महल में जाती है तो वो उसी पूल में गिर जाती है जिसमें बिंदुसार नहा रहे होते हैं और कुछ दासियां मिलकर बिंदुसार की मालिश कर रही होती हैं। जब धर्मा ये रियलाइज करती है कि बिंदुसार उसी पूल में है तो वो भी जाकर चुपके से बिंदुसार के सर पे मसाज करने लगती हैं। तो आने वाले एपिसोड में ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि बिंदुसार और धर्मा की जब आंखें मिलेंगी तो क्या होगा। आपको क्या लगता है शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, और टीवी जगत की तमाम ऐसी चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी प्राइम टाइम।